अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्त भाई और सब खैरियत से होंगे। आज मैं इधर से गुजर ही रहा था, ये भाई लोग पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं और इनसे मैं पूछता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। हेलो भाई, हेलो भाई, इसने क्या कोरोना वायरस है भाई? बड़ा भजिया मारता वेतन समोसा फड़े क्यों मार रहे हो? कोरोना वायरस है बहु मसा मसा फड़े और ये भाई लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कोरोना वायरस है और हम इस वायरस को मार रहे हैं, भगाएंगे पाकिस्तान से, बिल्कुल खत्म करेंगे। अच्छा, आप कोरोना वायरस के बारे में क्या कहते हैं, क्यों इसको मार रहे भाई? ये हमारे बच्चों को लग जाएगी, फिर काम खराब हो जाएगा, इसलिए भाई बात सुने। इधर आए, इधर हमारे पाकिस्तान में आ गई, हमें लग गई तो हम मर जाएंगे, इसलिए इसको मारेंगे। थोड़ा हमें मिला उधर से, हमने कोरोना वायरस को सारी इसमें डाल दिया। अच्छा, आप इसको मार के अवाम को क्या बताना चाहते हैं, मुल्क को क्या बताना चाहते हैं? ये बताएगा मुल्क, बताए भाई क्या करना चाहते हैं? बात ये है कि ये कोरोना वायरस है, ये पाकिस्तान में आया हुआ है। सही है, ये बड़ी मुश्किल से हमने पकड़ा है। ठीक है, ये उधर सड़क पे जा रहा था, हमने इसको पकड़ के बोरी में बंद कर दिया। ये कोड़ा कहते हैं इसको। ठीक है, तो भाई इसलिए हमने इसको पकड़ा है। ठीक है, इसलिए हम इसको मारे। हम कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से दफा हो जाए। अच्छा, फारग हो जाए यहाँ से ये कभी इधर ना आए। ठीक है, अभी इसलिए देखो लड़कों ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आप इसको मार के क्या साबित करना चाहते हैं? यही साबित करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान से दफा हो जाए। ठीक है, ये उसकी वजह ये है कि ये पकड़ के हम ये इसको मारने का ये प्रोग्राम बनाया है हम सब ने मिलकर। अच्छा, तो अभी हम सोच रहे हैं इसको मारना, ये खत्म हो जाए। सही। अच्छा नाजरीन, ये भाई ये कह रहे हैं कि हम इसको मार कर मुल्क को और सारी अवाम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम इसने ओ भाई रुको, ओ भाई लग जाएगी यार, लग जाएगी। एक मिनट, और ये भाई लोग तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहे, बात ही नहीं मार रहे, इतने गुस्से में आपको क्या बताऊं। और ये इसको मार कर ये साबित करना चाहते हैं कि हम इस मुल्क से, इस दुनिया से कोरोना वायरस का बिल्कुल खात्मा कर देंगे, और ये बिल्कुल डर ही नहीं रहे। भाई आपको इससे डर तो नहीं लग रहा? नहीं, हम नहीं डरते इससे, सिर्फ डर अल्लाह का है हमें। ठीक है, इससे हम थोड़ा सा भी नहीं डरते भाई, अपना परहेज तो होना चाहिए ना। नहीं, अल्लाह का डर और किसी का नहीं डर है, सिर्फ हम अल्लाह से डरते हैं। ये भाई लोग ये कह रहे हैं कि हम किसी से डरते नहीं है। आपने अभी अभी बोला कि ओ भाई एक मिनट रुको यार, रुको, ये कोरोना वायरस है। ओ भाई रुको यार, शांत तो मत करो। ओ भाई, अच्छा अच्छा, ये यार बस करो अभी। नाजरीन, ये लोग तो मान ही नहीं रहे। और भाई मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा, आखिरी सवाल करूंगा। आपने अभी अभी बोला कि आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, और सभी बुजुर्ग भी यही कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की आफत है, अल्लाह ताला हम लोगों से नाराज है। बिल्कुल। आपने कभी नमाज पढ़ी है? अल्लाह के हुक्म से पढ़ी है। पढ़ते हैं? बिल्कुल। ठीक है जी, ये भाई मुसलमान है, कहते हैं नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, वाकई ही में इसको इनको जो है डर नहीं लगता, क्योंकि मुसलमान कभी भी किसी बला से डरता नहीं है, क्योंकि मौत हक की राह है, सबने मरना है। तो नाजरीन, ये भाई इसको मार कर आवाम से ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग दुनिया से जो है इस मुल्क से कोरोना वायरस बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, कोई मसला नहीं है। बाबे से पूछो, मैं चलता निकला। ए बाबा, और ठीक है भाई, आप लोग बहुत शुक्रिया। क्या छोड़ो, इसमें थोड़े ही है, इसमें थोड़े अभी, अभी अभी हमने पकड़ा थोड़ी देर पहले भाई, वो मर गया है, मैंने देखा, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म कर दिया, मर गया। चलो शुक्रिया, चलो शुक्र है, अब नया पकड़ते हैं, नया। अब आप लोग छोड़ करें, ठीक है, इसको थोड़े दफा करें, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये जो आफत है
ये डल जाएगी, खत्म होएगी इंशाल्लाह कोरोना वायरस। सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें। आप लोगों ने चारों ने मास्क नहीं पहना हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें और अपने घरों में घरों तक ही मौजूद रहें। ये चंद रोज़ 14 दिन की बात है, ज़्यादा अरसे की बात नहीं। अपने घरों में महफूज रहें और किसी से हाथ मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। और कम अज़ कम घर में भी, ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, कम से कम घर में भी जो है 3 फुट का रखना चाहिए दूरी, फासला रखना चाहिए। तो अब मैं आपको क्या यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है काइंडली रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अपने अपने घरों में महफूज रहें, महदूद रहें, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गवर्नमेंट कर रही है हमारी बेहतरी लिए कर रही है, ये कर्फ्यू वगैरह जो लगा है ये हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आप सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जाएं तो इस जद्दोजहद को छोड़ें, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। आप लोग, अब मैं भाइयों से यही बात करूँगा कि आप लोग तो अपने अपने घर जाएं, घर तक महदूद रहें और घर से बाहर मत निकलें। और ज़्यादा से ज़्यादा यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ मिलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब आप लोग जाएँ अपने घरों में, सबसे बेहतर यही है। और सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे चैनल JSGTV को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान की अवाम इस कोरोना वायरस के पीछे कैसे पड़ गई। हाथ धो के, मैं कहता हूँ हाथ धो के छोड़े ना, धो के पड़ गई है पीछे। तो अल्लाह ख्याल करेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।